दीपावली पर मथुरा के ध्रुव नारायण मंदिर पर असहाय एवं गरीब बच्चों के साथ भागवत आचार्य ठाकुर देवकी नंदन ने दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर आचार्य ने बच्चों को उपहार भेंट किए। इस दौरान बच्चे भी उपहार पाकर खुश नजर आए, जबकि इन बच्चों को दूर दूर तक दीपावली का क्या मतलब है ये ठीक से नहीं पता, क्योंकि इनकी पहुंच से सब कुछ दूर है। ये खुशी देने के लिए ठाकुर देवकी नंदन आज इन बच्चों को थोड़ी सी खुशी जरूर दी है। दरअसल दीपावली के दिन ऐसे बच्चों को खुशी देने के लिए ठाकुर देवकी नंदन ने गरीब बच्चों के साथ अपनी दीपावली मनाई और गरीब बच्चों के साथ भोजन भी किया, जबकि बच्चों को कपड़े पटाखे और दीपक भी वितरित किए गए। भागवत प्रवक्ता ठाकुर देवकी नंदन ने बताया कि यह दिवाली गरीब बच्चों की दुआओं का त्योहार है। गरीबों के घर में भी दिए जले, ऐसी कामना करते हुए बच्चों को हौसला प्रदान किया और किस तरह ऐसे बच्चों के लिए लोगों के प्रोत्साहन से हम आगे आए और इनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। जबकि राम मंदिर के बारे में भी बताया कि ईश्वर की कृपा रही तो अगली दीपावली अयोध्या में ही होगी। ओके, मैंने पेट नहीं करी अब। एक मिनट, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है इसीलिए उम्मीद है कि मंदिर शायद 6 दिसंबर को शुरू हो जाए। ये देखिए, सर्वप्रथम तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामना। इस बार हम लोग मना रहे हैं दीपावली दुआओं वाली। हम सबकी दुआ ले सकें ये दीपावली है। आप देख रहे हैं कितनी जोर जोर से दुआएं मिल रही है हमको, क्योंकि हम लोग हमारे बच्चे लाखों रुपए हजारों रुपए के पटाखे जला देते हैं, कपड़े आ जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को मिठाई हजारों रुपए की मिठाई बांट देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ उम्मीद भरी नज़रों से हमको देखते रहते हैं। उनको जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो वो जाके जीवन भर उस चीज़ को उनके मन में टीस रहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों के पटाखे चला रहे हैं, लाखों के पटाखे चला रहे हैं, हजारों की ड्रेसेस ले रहे हैं और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो उनके मन में एक जो दुख होता है वो दुख आपकी दीपावली प्रसन्न नहीं कर सकता, अच्छी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो प्रयास विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, मेरा भारत मेरे स्वाभिमान ने एक प्रयास किया है, मेरे भारत मेरे स्वाभिमान की वजह से ये सब चीज़ें हमें करने को मिलती हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी वजह से आप लोग जब आते हैं, आप लोगों के सहयोग से हम ये सब कर पाते हैं और इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी दीपावली की खुशियाँ हैं। आप ये सोचिए, जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है ना तो ईश्वर उसके रूप में आपको दर्शन देता है। अपनों के लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन ये भी अपने मानकर जब जिएंगे तब होगी दीपावली दुआओं वाली। दुआओं वाली दीपावली मनाएंगे तब हमें खुशियाँ मिलेंगी। वैसे भी दीपावली त्योहार भी इसी का नाम है। दो चीज़ें, दीपक के बिना दीपावली किसी काम की नहीं, और जहाँ से शुरू हुई दीपावली, राम जब अयोध्या में आए तो खुशियाँ मिली, सब खुश हुए तो मनाई गई दीपावली। लेकिन जब दीप जलाए जाते हैं तो दीपक भी दूसरों को प्रकाश देता है, खुद जलता है, खुद के नीचे अंधेरा रहता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो दोनों ही प्रकार से दुआओं वाली ही दीपावली है। दीपक भी जलकर खुशियाँ देता है दूसरों को, राम के आने से खुशियाँ मिलती हैं, वैसे हमारे और आपके प्रयास से इन बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ आई हैं, यही दीपावली है। महाराज जी, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है और भाजपा सरकार ने कहा था कि जब सरकार बनेगी और राम मंदिर का निर्माण होगा, अभी तक राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राम मंदिर का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी राम मंदिर का प्रारंभ हो जाएगा निर्माण। और ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर शायद हम लोगों के लिए लकी दिसंबर है। जैसे कुछ चीज़ें हुई थी 6 दिसंबर को 92 में जहाँ से ये सिद्ध हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि वही दिसंबर से पहले निर्णय आने वाला है। इसका मतलब है शायद 6 दिसंबर से पहले राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो सके और भारत की जनता को दीपावली का बहुत प्यारा गिफ्ट मिल सके। देश में जो माहौल है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत खुशियाँ हैं। आए दिन जवान मर रहे हैं, आए दिन सीमा पे जवान मर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है, शहीद हो रहे हैं जी, आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की कायरता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पाकिस्तान जो षड्यंत्र करता है, आतंकवाद भेजता है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे दीपावली के जो पटाखे जल रहे हैं पाकिस्तान का भी उसमें कल्याण हो जाए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।
विनोद गोयल, प्रधान करनाल राइस मिल एसोसिएशन, सभी अपने व्यापारी भाई, करनाल के राइस मिलर्स भाई व मेरे सभी करनाल जिला के आढ़ती भाइयों को दीपावली व भाई भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में सभी मेरे व्यापारी भाई, आढ़ती भाई, राइस मिलर भाई फले धन धान्य से फले फूलें और उनका व्यापार खूब तरक्की करे। और मैं नववर्ष पे इस दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं भाजपा की, उनको भी बधाई देता हूँ कि वो अपनी सरकार बनाकर 5 साल चलाएंगे और उनको भी हमारी व्यापारियों की शुभकामनाएं हैं और वो उनसे भी आशा की जाती है कि सभी व्यापारियों का पहले की तरह ख्याल रखेंगे। ऐसी मंगल कामना मैं सभी व्यापारी भाइयों के लिए और अपने राइस मिल भाइयों के लिए करता हूँ। करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों व जिले वासियों को एक बार फिर से करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।